चलो एक सवाल करता हूँ, आप पूरे 24 घंटों में कितने घंटे पूरे ध्यान के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में कुछ सीखने बैठते हो, पढ़ने बैठते हो, या अगर आप कोई काम करते हो तो पूरे ध्यान के साथ में करते हो, कितने घंटे? 5 मिनट, 25 मिनट, 60 मिनट, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? डेली की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कभी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यही जो फोकस्ड आवर्स होते हैं, यही जो घंटे होते हैं, यही पूरी जिंदगी बनाते हैं। आप जो बनोगे इन्हीं फोकस वाले घंटों की वजह से बनोगे। जिंदगी में मैजिक कब होता है, चमत्कार कब होता है? किसी की जिंदगी चल रही अचानक से वो कामयाब हो जाता है, क्या कारण है? द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। जो चमत्कार आप चाहते हो अपनी जिंदगी में वो कहाँ है? वो उस काम में है, वो उस पढ़ाई में है जो आप अवॉइड कर रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक स्टडी हुई जिसमें प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को एक वॉच दी। उन्हें कहा कि आप कंसंट्रेटेड माइंड के साथ में जितनी देर पढ़ाई कर पाते हो उसको नोट डाउन कर लो, कितने घंटे आपने, कितने मिनट्स आपने करी है, लिखना है। तो वहां से एवरेज टाइम जो पता लगा वो था 25 मिनट्स। इससे ज्यादा पढ़ने के बाद में उनका ध्यान भटक रहा था, इसमें वो पूरे ध्यान से पढ़ रहे थे। आपने कभी देखा होगा एकदम से कोई इंसान मोटिवेट होता है कि मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं 6-6 घंटे पढ़ाई करूंगा, 10-10 घंटे पढ़ाई करूंगा, नॉन स्टॉप पढ़ाई करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, कहीं कुछ नहीं करूंगा, पर वो जितने भी घंटे पढ़ाई करते हैं उनके साथ होता यह है कि वो भूल जाते हैं। और हमें ये देखने को मिलता है कि यार इतनी पढ़ाई करने के बाद भी इसके इतने परसेंटेज नहीं बने, लेकिन वो जो टॉपर है, जो फर्स्ट आया है, उसने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी। होता है, कितनी बार होता है, कारण क्या होता है उसका? आपके स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा है, एक वाई एक्सिस है वो आपकी एफिशिएंसी बताता है और एक्स एक्सिस है वो टाइम बताता है। इसको समझना आप। मान लो उसने डिसीजन लिया कि मैं 6-6 घंटे पढ़ाई करूंगा और वो शाम को 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाता है। उस वक्त उसका फोकस कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा था। अब उसने जो 25 मिनट 30 मिनट पढ़ा उसने बहुत ही ध्यान से पढ़ा, एकदम ध्यान से पढ़ा, लेकिन क्योंकि उसने सोचा था कि मैं तो 6-6 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो वो क्या करता है, उठता ही नहीं है। वो पढ़ाई में पूरी तरह से घुसा होता है मोटिवेशन के साथ में, लेकिन होता यह है कि उसके दिमाग में बात जानी बंद हो जाती है। आधे घंटे बाद यानी कि 6:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक उसने केवल पन्ने पलटे हैं। एक तो ऐसा मोमेंट आया कि उसको ये लगने लग गया कि यार मुझे तो नहीं पढ़ना, जिसकी वजह से हुआ यह कि 30 मिनट भी जो उसने पढ़ा था वो भी नेगेटिव में चला गया। आप ग्राफ में देख सकते हो। जो कि अगर वो ये बात मान लेता, जो कि सबको पता है कि 25 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए तो रिचार्ज हो जाते हैं, तो वो इंसान 6 घंटे में 5.5 घंटे पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई कर सकता था। और ठीक इसी तरह से हम सब अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग है, ये आज करोगे नहीं हुआ ऐसा नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस होती है। ये 25 मिनट 5 मिनट जो है ये प्रैक्टिस मांगता है, इट्स अ ट्रेनिंग। एक बार समझ आ गए तो पूरे ध्यान के साथ में आप वो पढ़ोगे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे आपके दिमाग में जा रहा है। साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कि जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है उसको करने में मजा आता है, तो क्यों ना इसको मजेदार बनाया जाए। जो चीजें हमें सजा लगती है वो हम उससे दूर भागेंगे ही। कितने मोटिवेटेड हो जाओ, आप सजा को पसंद करने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन क्या अगर सजा को ही मजा बना तो इस 5 मिनट के ब्रेक में आपको क्या करना है, मजे करने हैं, कुछ देख लो, वॉक करने चले जाओ, म्यूजिक सुन लो, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर लो, किसी को मार लो, ऐसे ही दोस्त है अगर कोई। इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ भी पढ़ते हो तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह सकता है, उसकी साइंस बताने वाला हूँ, जो कि मैंने भी अपने स्कूल टाइम में वो ट्रिक्स यूज करी थी तो आपको बताने वाला हूँ, जिससे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स और चैप्टर्स आप उनके आंसर जो है वो हमेशा के लिए याद रख पाओगे। वीडियो क्योंकि स्टडी के ऊपर है तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो लैपटॉप या मोबाइल में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने नोट्स पढ़ते हैं। मैं भी अगर जैसे रिसर्च करता हूं तो मैं भी काफी घंटों तक लैपटॉप यूज करता हूं, मोबाइल यूज करता हूं, तो इसके लिए हमें आई को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जिस वजह से मैं क्या करता हूं कि मैं ये ग्लास पहन लेता हूं, जब भी मेरा पहना हुआ है, इस ग्लास से आपकी आंखें जो है वो हार्म नहीं होती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, इसलिए काफी स्टाइलिश भी लग रहा है वैसे, इसमें मतलब ऐसा लगता है कि बच्चा जो है पढ़ाकू है। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, अगर आप कूपन आईकॉन यूज करते हो तो सिर्फ 500 रुपीज में इसे आप परचेस कर सकते हो। लेंसकार्ट का ब्लू लेंसेस आपको डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि फोन, आईपैड, लैपटॉप, इनसे जो भी हार्मफुल रेस आती है उससे आपको बचाता है। ये कंप्यूटर ग्लासेस 90% ब्लू रेस को ब्लॉक कर देता है, जो आपकी आंखों को खराब होने से बचाता है। इससे आपका हेडेक भी नहीं होता है, आई स्ट्रेन से छुटकारा मिलता है, हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है। ये ग्लासेस बहुत ही ड्यूरेबल और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, आसानी से टूटते भी नहीं है। लेंसकार्ट का अभी आइकॉनिक सेल चल रहा है जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स में 60% ऑफ मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट। अब आ जाओ अपनी वीडियो की तरफ, बात करते हैं रोट मेमोराइजेशन की, मतलब कि रटना। कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं कि बस इसको बार बार पढ़ते रहो और वो याद हो जाएगा। किसी के लिए काम का हो सकता है, लेकिन इनका दिमाग जो है वो डल रहता है। फिर मैंने ऐसे रट्टे मारने वाले देखे हैं मेरे साथ में पढ़े हुए, डल रहता है दिमाग उनका। लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज अ वेस्ट। सबसे पहले ये देखो कि ये फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है। फैक्ट है उसको तो याद करना ही होगा, ठीक है, पर जहां पॉसिबल है उसका कॉन्सेप्ट समझने से जिंदगी भर वो छप जाता है दिमाग के अंदर, कि जो जैसा है उसको याद कर रहे हैं तो वो क्यों है ऐसा। जैसे एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये फैक्ट है, बट बायोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्ट है। मैं तो नाम भी ऐसे याद रखता था, मैंने वेरीफाई भी नहीं करा इंटरनेट से कि ये सच है या नहीं। मैंने 6th-7th स्टैंडर्ड में जीके की बुक पढ़ी थी, उसमें तार पीड़ो करके मछली थी, वो मछली थी जिसमें करंट होता है, तो करंट का मतलब हो गया तार, और करंट लगने के बाद में पीड़ा होती है, तो तार पीड़ो, ऐसे याद रखा था मैंने। तो कोई भी चीज अगर जैसे मुझे मतलब नहीं लगता था तो मैं क्या करता कि उसका मतलब
बना लेता था, कहानी बना लेता। आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग गेम अपने लिए बना सकते हो। ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट नहीं मिला तो मैंने बना लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट मिल जाता है कई बार। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और एक ग्रुप को बोला गया कि ये 13 लेटर्स है, आपको अभी बताए जा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको बिना देखे आपको ये 13 लेटर्स इसी सीरीज में बताने हैं। तो जैसे कि वो लेटर्स थे P D E G W Q V B D R Y H R, ठीक है, जो भी रैंडम। तो उस ग्रुप के कुछ लोग स्टार्टिंग के 4-5 लेटर्स बता पाए, कुछ 2-3 बता पाए, लेकिन वो सारे लेटर्स को सीरीज वाइज याद नहीं रख पाए। लेकिन दूसरे वाले ग्रुप को भी 13 लेटर्स दिए गए थे और वो लेटर्स थे HAPPYTHURSDAY। उस ग्रुप के लोगों से पूछा गया कि बताओ वो लेटर्स किस सीरीज में थे, तो लगभग सारे स्टूडेंट्स ने वो बता दिया। और हो सकता है कि उनको एक हफ्ते के बाद में पूछा जाता तब भी वो बता देंगे, 10 दिन, 1 महीने के बाद भी बता देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इन लेटर्स में एक मीनिंग है। हैप्पी थर्सडे एक मीनिंग है, ये याद रखना आसान है। दिमाग बड़ा चला के दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखता है। एक तो मतलब समझ आ गया वो कि हाँ ये है, दूसरा कि इसकी नीड क्या है, क्यों याद रखना है मुझे, तो उसको भी याद रख लेता है। तो आप कभी भी पढ़ने बैठो तो उसकी या तो मीनिंग पता करो, जैसे कि हैप्पी थर्सडे इज अ मीनिंग, या फिर उसकी वैल्यू पता करो कि यार ये कहाँ काम आ सकता है, इस नॉलेज का क्या मतलब होता है। जैसे पाई का मान है 3.1415। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पाई का मान है ये आया कहां से। अब जैसे कि ये सर्कल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना आसान है, अभी समझ जाओगे ये पाई का मान आया कहां से। ये सर्कल है, उसके बीच में एक सीधी लाइन जा रही है जो एक कोने से दूसरे कोने जाती है, सेंटर पॉइंट को टच होते हुए, इसको हम व्यास बोलते हैं। अब ये अगर इसके बॉर्डर पे 3 बार लगाई जाए तो वो 3 बार लग जाएगी, उसके बाद में वो स्पेस रहेगा, इस स्पेस की जगह लगता है पाई का मान। अब आप जिंदगी में पाई नाम का कॉन्सेप्ट जो है वो भूलोगे नहीं। और मुझे भी अब तक पता है, 10 साल पहले स्कूल में ये जाना था मैंने, स्कूल का इतना टाइम हो गया, आज भी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसकी फनी स्टोरी मुझे आज भी याद है, जो हा हिली बेबो खाना फलोनी समय से फास्ट जो होता है उसके पीछे की पूरी कहानी मेरे को याद है, इसलिए मुझे वो पीरियोडिक टेबल याद है। देखो, एक तो होता है कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं है तो बना लो, इसको निमोनिक्स बोलते हैं, जैसे कि विबग्योर करके है। अब ये विबग्योर क्या है, इंद्रधनुष के अंदर रेनबो के अंदर जितने भी कलर्स होते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर हो गया। इस तरह से आप किसी भी फंडे को याद रख पाते हो। दूसरा, आपको सीरीज में भी पता होता है कि इसको सीरीज में क्या बोलेंगे। ये है बड़ी सिंपल चीज लेकिन बहुत काम निकाल देता है। मैंने बीच में सेमिनार करा था, उस सेमिनार के सारी स्लाइड्स के शॉर्ट फॉर्म बनाए थे मैंने भी, और उसको एक वर्ड दे दिया था, तो मेरे लिए आसान था कि अगली स्लाइड कौन सी है, ताकि मैं पीछे बार बार ना देखूं। या एक और इंटरेस्टिंग तरीका देखो, यहाँ पे कितना भी क्रिएटिव बन सकते हो। जैसे कि एक सवाल है, हाउ मेनी कैलोरीज इन अल्कोहल, अल्कोहल में कितनी कैलोरीज होती है, तो अल्कोहल में पर ग्राम 7 कैलोरीज होती है। अब इसको कैसे याद रखे, इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है, अल्कोहल में कितने लेटर्स है, 7, कैलोरीज कितनी है, 7। अब आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने तो कई लोगों के नाम तक उसके शरीर के उसके फेस के हिसाब से याद रखे थे, वैसे बड़ा फनी होता है वैसे, बट मैंने ये बहुत बारी करा हुआ है। अब ये काम क्यों करता है, याद रखने की साइंस ये है कि कोई भी चीज जब हमें मीनिंगफुल लगती है या उसके पीछे की कहानी समझ आ जाती है कि यार ये क्यों है, तो वो हमें याद रहता है। जैसे कि मैंने अभी पाई का बताया कि वो कहां से आया, तो आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा। इसी तरह से मीनिंगलेस चीजें होती है क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, हमारे दिमाग को ऐसा लगता है इसलिए वो भूल जाता है। तो अब आगे से कुछ भी याद रखने के लिए बैठो, आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, हम सबको याद रखने की जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ने बैठे हो अभी, आपको जो पता है उससे उसका कनेक्शन बना लो, उसके साथ में उसकी कहानी बना लो, उसको मीनिंगफुल बना दो, दिमाग को बता दो कि ये देख काम का है, इसको याद रखना है। और जो मीनिंगलेस है उसके साथ कोई कहानी बन नहीं रही है तो जुगाड़ बना के बनाई लो। कोई भी ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन आप सीख रहे हो, याद रखनी जरूरी है, उसको पुरानी इन्फॉर्मेशन से जोड़ने की ट्राई कर लो। जैसा आपने कभी देखा होगा, आपके स्कूल में कॉलेज में कभी आए होगे जो बहुत ज्यादा बोर्ड पे नंबर लिखते हैं सबसे पूछते हुए, और उसके बाद में वो पूरे नंबर्स बिना देखे बता देते हैं। वो कर पाते हैं क्योंकि वो हर नंबर के पीछे एक वर्ड अपना बना के बैठे हैं पहले से, और जैसे ही आप उनको नंबर बताते हो तो आपके लिए तो वो नंबर है लेकिन उनके लिए वो वर्ड्स है, वो कहानी बना रहे हैं, वो एक कहानी पूरी अपने दिमाग में बना रहे हैं कि हाथी गया पीछे, कुत्ते ने काटा, जो भी इस तरह से कहानी बनाते हैं वो, और वो भी एड्रेस के साथ में। जैसे कि उनको कोई एड्रेस याद है तो उस एड्रेस के साथ में वो कहानी बनाते हैं, कैसे कि किस तरह से हाथी यहाँ पर आया इस मोड़ पर, हाथी मतलब जैसे 6 नंबर, फिर वहां से वो आगे गए तो यहाँ पे एक स्कूल थी तो यहाँ पर किसी ने उल्टी कर ली तो 6 नंबर उल्टा हो गया 9 नंबर, इस तरह से कहानी बना ली। मतलब थोड़ा और आगे गया तो एक सर्कल आ गया, यानी कि 0 नंबर। अब क्योंकि वो रास्ता तो कभी भूलेगी नहीं उनके घर से ऑफिस तक का, और रास्ता याद है तो उन्होंने पूरे रास्ते पर कहानी बना ली। इसके और भी तरीके होते हैं लेकिन ये एक तरीका मैंने देखा था जो करते हैं। अब एक और एग्जांपल है, जैसे एक वर्ड है साइको एनालिसिस, किसी के लिए बिल्कुल नया है, तो इसको आप तोड़ोगे, कई वर्ड्स को आप तोड़ के देखो तो उसका मीनिंग निकल जाता है। जैसे साइको एनालिसिस का मतलब होता है कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, और एनालिसिस का मतलब हो गया उसको स्टडी करना, कैलकुलेट करना। और यहां पर भी सेम, जैसे टुकड़ों में तोड़ने के बाद में मीनिंग नहीं निकल रही है तो मेरी तरह तार पीढ़ों की तरह कहानी बना लो। अब एक और गलती सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, जो मैंने भी बहुत करी अपनी लाइफ में, वो ये कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं रिकॉग्निशन और कलेक्शन में। आपने बहुत लोग देखे होंगे हाइलाइटर पेन से वो पूरे टेक्स्ट को हाइलाइट करके पूरा चैप्टर रंग बिरंगा कर लेते हैं, और जब वापस वो फिर से रिवीजन के लिए बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो उनको लगता है कि ये मुझे याद है, लेकिन वो याद नहीं है, वो उनको पता है कि ये है, रिकॉग्नाइज किया है कि ये मुझे पता है, लेकिन याद होना, रिकॉग्नाइज करना, पता होना कि ये है, और याद होना, दोनों में फर्क है। फिर जब टेस्ट होता है तब उनको याद नहीं आता है,
फिर वो ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने याद नहीं करा था। तो यहाँ पर आपको कलेक्शन और रिकग्निशन दोनों का मतलब समझना है। हाईलाइटेड है, आपको पता है कि वो हाईलाइटेड है, ये बात ये है। आप जब तक बिना देखे नहीं बोल सकते, जब तक अगर आपने खुद से टेस्ट लेके बिना देखे नहीं लिख लिया तब तक मत मानो कि आपको वो याद है। बुक्स पढ़ने का एक और वे आपको देता हूँ, ये काफी काम आएगा आपके, ये है कॉन्सेप्ट SQ3R, यानी कि सर्वे, क्वेश्चन और 3R है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। सर्वे मतलब टेक्स्ट बुक खोली आपने, किताब खोली, आप सर्वे कर रहे हो, देख रहे हो इसमें कितनी पिक्चर्स है, ड्राइंग्स क्या है, ग्राफ्स क्या है, चीज क्या है, समझा क्या रहा है, कितने पेजेस है इसके अंदर, आप सर्वे कर रहे हो। फिर आता है क्वेश्चन, फिर आप एक सवाल के साथ में इसके अंदर एंटर होते हो कि यार ये कैसे होता है, तो उसका सवाल ढूंढने के लिए आप पढ़ते हो, ठीक है। अब क्योंकि आप किसी चीज को ढूंढोगे तो ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप मेहनत से ढूंढोगे तो आप उसको भूलोगे भी नहीं। उसके बाद में आता है ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, रीड, पढ़ोगे तो ढूंढने के लिए उस चैप्टर को आप पढ़ोगे। उसके बाद में आता है रिसाइट, यानी कि वो चीज आप किसी को समझाओगे, आपको समझ आ गया, आपको किसी को समझाना। फिर आता है रिव्यू, यानी कि जब भी टेस्ट देने एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले एक बारी पूरा रिव्यू कर लो। ये फॉर्मूला काफी फेमस है, इंटरनेट पर काफी लोग वीडियोस बनाते हैं कि मैं आज जो बनाऊ इस फॉर्मूला की वजह से बनाऊ, तो आप भी इसको यूज करो और अपने लर्निंग के ग्राफ को रॉकेट बनाओ। अब आती है बात नोट्स टेकिंग की। देखो, आपको घर पे भी रोज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने क्लास में जो सीखा उसकी 5 मिनट में बैठ के एक समरी बना लेते हो और उसको समरी बनाने के बाद में एक बार पढ़ लेते हो, रोज ऐसा कर ही रहे हो, उसके बाद में वीकेंड में, संडे में आप क्या कर रहे हो, पूरे हफ्ते में आपने जो सीखा उसकी समरी बना रहे हो, उसको लेकर बैठे हो 1-2 घंटे और पूरा मैप बना रहे हो अपने दिमाग में कि अब तक मैंने ये सीखा, अब मैं यहां पर हूं। आप नहीं भूलोगे, क्योंकि जब भी आप ये सोचते हो कि इसको तो मैं घर जाके ही करूंगा, होता यह है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 20 सेकंड 25 सेकंड ही रहती है, तो घर जाते जाते सारी बातें जो है आपके माइंड से निकल जाती है। लेकिन अगर आप हाथों हाथ उसको उतार देते हो, समरी बना लेते हो, तो थोड़ा सा वो गहरा हो जाता है। उसके बाद में वीकेंड पे भी पूरी वीक की समरी बना रहे हो तो और गहरा हो जाता है। और उस समरी को किसी को दे भी दो और बता भी दो कि ये समरी आपने कैसे बनाई है, ताकि आपका एक तो रिविजन हो जाएगा, आपको वो याद रहेगा, दूसरा किसी गरीब दोस्त का भला हो जाएगा। अब एक और पॉइंट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई लोग नहीं मानते इसको। काम हो या पढ़ाई हो, उसकी एक जगह होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यार दिमाग क्यू देखता है, क्यू, CUE, क्यू, जिससे हमारा पूरा हैबिट सिस्टम वर्क करता है। जो हमारे दिमाग को देखता है, हमारा दिमाग ट्रिगर होता है, उसका मन हो जाता है। जैसे कि आप बेडरूम में पढ़ते हो तो आप बेड देखते हो, तो आपके सोने का मन होता है। मुझे भले कितना ही आलस आ रहा होगा, अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूं उसके ऑफिस में, मैं वहां जाके सीरियस हो जाता हूं एकदम। स्टेज पर अगर मुझे भेज दिया जाए, जनता हो ना हो, मेरा फीवर भी हो रहा तब भी मैं बोलने लग जाऊंगा। आपके साथ हुआ होगा, हॉस्पिटल जाते किसी से मिलने के लिए तो हमें भी वीक फील होना शुरू हो जाता है। एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए सबके घर में एक लाइब्रेरी या फिर एक स्टडी रूम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप स्टडी टेबल चेयर और एक लैंप तो ले ही सकते हो। बजट नहीं है तो एकदम कम प्राइस वाले भी आते हैं। अब हमें ये ट्रेनिंग करनी है कि जब वो लैंप चालू होता है मुझे पढ़ना है। रूल है, मतलब लैंप चालू का मतलब मुझे, ये वॉर शुरू हो चुकी है, ये शुरू वॉर में मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैं किसी का फोन नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो। मतलब ये लैंप चालू का मतलब होता है कि वॉर चल रही है और मुझे पढ़ना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 मिनट, इससे ज्यादा करोगे तो वैसे भी ग्राफ नेगेटिव में जाएगा। 25 मिनट के बाद में आपको लैंप बंद कर देना है, 5 मिनट के लिए बंद, और उसमें आप मजे करो, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसके बाद में फिर से लैंप को ऑन कर दो 25 मिनट के लिए। लैंप ऑन का मतलब पढ़ाई करनी है। अब इससे होगा क्या, आप अपने लिए एक एनवायरमेंट बना रहे हो, अपने लिए एक क्यू बना रहे हो। इससे होगा ये कि आप जब भी स्टडी टेबल चेयर और लैंप देखोगे, ये ट्रिगर करेगा कि आपको पढ़ाई करनी है। इससे होगा ये कि हमारा माइंड जो है वो ट्रेन हो जाएगा कि ये मेरा एरिया है, ये लैंप है, ये जब चालू होता है तब मुझे पढ़ना है। आपका दिमाग भी ट्रेन हो चुका होगा कि जैसे आप बैठे हो, लैंप ऑन है, आपके दिमाग को पता है कि यार अब वॉर शुरू हो चुकी है, ध्यान पूरा यहां लगाना है। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए डाल रहा हूं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, सबको पता है। कई लोग पूछते हैं नींद कितनी लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद इनफ है, वो भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि आपके शरीर और दिमाग को पता है कि इस टाइम इस बंदे को सुलाना होता है। तो होगा ये कि जब आप जगे हुए होते हो तब आपको नींद नहीं आती है, सर्कैडियन का ये फायदा है। अब नींद को कई लोग जो है वो हल्के में लेते हैं, जोश जोश में। नींद जो है जब आप सोते हो तब होता यह है कि जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ाई करी है उसको प्रोसेस करता है। जब आप नहीं सोते हो तब आपके ब्रेन के कुछ टिश्यूज, समझने के लिए टिश्यूज होते हैं, वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से डैमेज हो रहा है आपका दिमाग, वेस्टेज जो है आपके दिमाग में बढ़ता जा रहा है। उस वजह से होता यह है कि जब आप दूसरे दिन पढ़ने के लिए बैठते हो तब आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता है, ऐसा आपको फील होता है। सेम बॉडी बिल्डिंग के साथ में भी होता है, जब वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं लेकिन सोते नहीं है, रेस्ट नहीं लेते हैं, उससे होता यह है कि उनके जितने भी टिश्यूज जो फट गए हैं वो रिपेयर होने को टाइम दे नहीं रहे, इसलिए अगली बार से वो जब जिम जाते हैं तब उनकी बॉडी नहीं बनती है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखो, मैंने तो बहुत पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन आज मैं जो भी रिसर्च
करता हूँ वो भी एक तरह की पढ़ाई है, मुझे भी याद रखना पड़ता है, मुझे भी चीजें समझनी होती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी लेंस कार्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी के ऊपर दो ऐसी वीडियो है उस पूरे चैनल की जो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आई तो आपको ये दो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपकी स्क्रीन पर यह देख रही होगी, आप देख सकते हो उसको। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको लेंस कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।